सर आज आप जा रहे हैं, सीबीआई पूछताछ आपसे करेगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया? इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला, मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गाँव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है, ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में मैं पिछले दिनों जब जब गया हूँ, मैंने वहाँ के स्कूलों की हालत ख़राब देखी है, मैंने वहाँ अस्पतालों की हालत ख़राब देखी है, मैंने नौजवानों को नौकरी के लिए बिलखते हुए देखा है, मैंने वहाँ लोगों की बहुत बुरी हालत देखी है गुजरात में। और आज गुजरात में लोगों को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से। आज लोगों को हमने जाके कहा है गुजरात में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपके भी स्कूल दिल्ली के स्कूलों की तरह अच्छे होंगे, आपके भी अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों की तरह अच्छे होंगे, आपके यहाँ भी बिजली के बिल जीरो आएंगे, आपके यहाँ भी ईमानदारी से नौकरियाँ लगेंगी और लगेंगी। तो ये आज हमने गुजरात में कहा है और गुजरात के लोगों को इस पर भरोसा है, इसीलिए बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और ये मुझे जेल में डाल के रखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ ना कुछ निकला, ना कुछ निकलेगा, और अब मुझे जेल में भी डाल देंगे तब भी आज गुजरात का बच्चा बच्चा चुनाव लड़ रहा है, आज गुजरात का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। इस बार गुजरात का चुनाव गुजरात के लोग एक आंदोलन की तरह, शिक्षा के आंदोलन, स्वास्थ्य के आंदोलन, बिजली के आंदोलन की तरह लड़ रहे हैं। मुझे जेल में डालने से ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार को बचा नहीं पाएंगे। जैसे आप चुनाव में जाते हैं आज भी उसी तरीके से लग रहा था कि आपको विदा कर रहे हैं परिवार वाले, क्योंकि और भगत सिंह कहा आपको, खुद मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कहा। ये मेरे परिवार का प्यार है, मेरे परिवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति से काम करता हूँ। और भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए हैं, ईमानदारी से काम किया है। ये गुजरात को नहीं बचा पाएंगे, गुजरात में भी अब यही काम है। सर आपको लगता है कि आप गिरफ्तारी भी कर सकते हैं? इनकी पूरी तैयारी है।